अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग होंगे ठीक ठाक, मज़े में होंगे। तो जी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज मैं एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। मैं बनाने लगी हूँ परहेज़ी खाना। तो परहेज़ी खाना जब मैं बनाने लगी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ये कैसा परहेज़ी खाना है, कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह के स्टमक इश्यूज़ हैं, अगर आपको बीपी यानी ब्लड प्रेशर का इशू है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो इन सब के लिए मैं एक परहेज़ी खाना बना रही हूँ। अगर सॉरी, तो मैं एक परहेज़ी खाना बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह के इसमें से कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं फंबल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना इसको। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये है मेरे पास हलवा कद्दू। आई डोंट नो ये कितना है, मेरे ख्याल से ये हाफ के जी है। तो इसको जो है सबसे पहले मैं कट करूँगी, और कट करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले इसका जो पील कर लेना है बाहर का आउटर, ये जो पार्ट है इसको पील करना है, इसके ये बीज जो है सारे निकालने हैं और उसके बाद इसको वॉश करना है, देन कट करना है। गाइज मैंने जो है सब्ज़ी कट कर ली है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग मैंने कैसे की है। मैं कटिंग बहुत रफ करती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जब कोई भी चीज़ पकती है तो वो हंडिया में जाके खुद ही सही हो जाती है, तो हमें इतनी कोई वो नहीं होता कि बस कटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। बस सब चीज़ें मैं काट काट के हंडिया में डाल देती हूँ, तो बाद में तो जाहिर सी बात है सब चीज़ों में मिक्स हो जाना होता है। देख सकते हैं मैंने इस तरह क्यूबिक कटिंग की है इसकी हलवा कद्दू की। अब इसको जो है मैंने एक प्याज भी कट कर लिया छोटा सा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटा सा प्याज कट किया हुआ है। और साथ ही मैंने जो है देखिए मैं बिल्कुल 2 चम्मच ऑयल लिया है। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ बार बार परहेज़ी खाना है, तो परहेज़ी खाने के हिसाब से मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल लिया है। इतना कम ऑयल है कि आपको शायद दिख भी नहीं रहा हो। तो ये हमारा परहेज़ी खाना जो बन रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा गलने के लिए इसके अंदर छोड़ दूँगी, ठीक है। अच्छा मैं डोई यूज़ कर रही हूँ, हम तो इसको पंजाबी में डोई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। निकल के थोड़ा सा बाहर आई हूँ किचन में से क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा प्याज जब गल जाएगा तो फिर उसके बाद फर्दर क्या होगा मैं बताऊँगी आपको। अच्छा एक ये चीज़ थी कि लोग जो होते हैं ना, जब खाना बना रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि जब तक वो हंडिया के सर पे नहीं खड़े रहेंगे तो हंडिया बनेगी नहीं। ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इर्द गिर्द की चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, बहुत कचरा आ रहा है। खैर तो लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक वो हंडिया के सर पर बार बार चक्कर नहीं लगाएंगे तो हंडिया ने रेडी नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डाल के छोड़ कर आ गई हूँ क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो जब प्याज गल जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। और डाइट खाना मैंने जैसे आपको बताया, डाइट मतलब परहेज़ी खाना है ये। ये उन लोगों के लिए है जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हार्ट का इशू है, या जो है स्टमक की एसिडिटी का इशू है, वो सब ये खाना खा सकते हैं। तो अगर ये ट्राई करेंगे तो अगर 1 महीना इस तरह का डाइट का खाना जो मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँगी खाएँगे, तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको किसी मेडिसिन की किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस इस डाइट को फॉलो कीजिए। अगर हम खाने में एतदाल से और अपना हाथ हल्का रख के खाएं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अनियन है वो बिल्कुल गल चुका है और कलर उसने अपना चेंज कर लिया है, जो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है वो भी गल चुका है। तो ये कंडीशन है, ये टाइम है कि अब मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी जो मैंने हलवा कद्दू कट किया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मसाले वसाले तो डाले नहीं, तो ये जब डाइट खाना है परहेज़ी खाना है तो इसमें कैसे मैं सारे मसाले और चटपटा इसको बना दूँ, ऐसा नहीं हो रहा। तो अभी हम डालेंगे इसके अंदर हलवा कद्दू, और हलवा कद्दू डालने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, कुछ ज़्यादा तो डालना नहीं। जब मैं बार बार आप लोगों से यही बोल रही हूँ कि खाना बड़ा सिंपल सा है, ये नमक मिर्ची नहीं डलेगी, नमक वाला खाना है ये, तो आप लोग बस इसको देखते रहिए। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ हलवा कद्दू जो कि मैंने कट किया हुआ है, ठीक है। बस इसको इसी तरह थोड़ी देर के लिए मैं इसको इसके अंदर मिक्स करती रहूँगी अच्छे से, ताकि थोड़ा सा ये प्याज का जायका अपने अंदर ले ले। ऑयल तो है नहीं, इसमें ऑयल भी खाना है ये।
इसको जो है मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं कोई मसाला वसाला इसके अंदर नहीं डाला मैंने, और जस्ट इसको थोड़ा सा इसके अंदर 5 मिनट के लिए चम्मच ये लोई जो है इसे चलाया है, और चलाने के बाद अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। और ढकने के बाद जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने कोई पानी वानी ऐड नहीं किया, बस इसको हल्की सी आँच पर मैं ढक के छोड़ दूँगी। जी तो गाइज़ मैं बड़े पते की बात आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि जब भी आप खाना खाना शुरू करें, मतलब जैसा भी खाना है अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है, जैसा भी खाना खाने लगे आपने सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो अभी नवाला मुँह में रखते नहीं हैं और बोलते हैं खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मतलब उफ माई गॉड, इतनी नाशुक्री खाने की बहुत गलत बात है। तो जब भी खाना खाएं तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, जैसा भी खाना मिले आपको तो कोई गलती नहीं निकालते, कोई नुक्स नहीं निकालते, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। क्योंकि फिर जो लोग नाशुक्रपन करते हैं तो बेचारे फिर वो बस उनका अल्लाह ही मालिक होता है। फिर गाइस काफ़ी देर हो गई है, अब ज़रा देखते हैं कि हंडिया के क्या हालात चल रहे हैं। तो मैं काफ़ी देर के बाद आई हूँ, लेट मी चेक माय हंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी क्या हालत है इसकी, ये थोड़ी सी नरम हो गई है सब्ज़ी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी गली है ये भी। तो अब मैं इस पॉइंट में डाल दूँगी इसमें जो मुझे एक दो मसाले डालने, ठीक है। सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट बहुत लाइट रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी है, तो आपने सॉल्ट बहुत लाइट रखना है इसमें। और वैसे भी आप लोग देख सकते हैं जब ये पकेगा ना तो इसका जो सॉल्ट अगर मैं ज़्यादा डाल दूँगी ना तो वो इसके अंदर डिसॉल्व होकर ना बहुत अजीब सा टेस्ट देगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, गाइस देख सकते हैं इतना सा सॉल्ट, मतलब कि बहुत कम है ये। तो यहाँ पर मैं इतना सा सॉल्ट डाल दूँगी और थोड़ी सी मैं इसके अंदर टर्मेरिक डालेंगे, और ये देखिए वैसे मेरी ना हल्दी फेवरेट है, मेरा दिल करता है मैं हल्दी भी बहुत ज़्यादा डालूँ, ठीक है, लेकिन मैं हल्दी इतनी सी डाल रही हूँ इसके अंदर, बस जस्ट ये दो मसाले हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं एक और चीज़ भी डालूँगी, वो है जो ग्रीन चिलीज होती है ना, मैं रेड चिलीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो मना करते हैं कि आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग रेड चिलीज़ का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये स्टमक के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो मैं जो हूँ जैसे आपको बोल रही हूँ कि ये परहेजी खाना है, तो इसके अंदर जो है मैं सिर्फ ग्रीन चिलीज़ डालूँगी, और ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद जो है मैं उनको छोड़ दूँगी ताकि जो है ये थोड़ा वो हो जाए, ख़ुद ही अपने पानी में गलेगा। इसके अंदर मैंने जो है सॉल्ट और हल्दी डालकर थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हाफ कप पानी डाला है, और अब इसको मैंने ढक के रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ और आँच कितनी रखनी है, और फिर आपने इसको छोड़ के चले जाना है, खुद पक जाएगी, बिल्कुल फिक्र की ज़रूरत नहीं है, हंडिया खुद पक जाती है, हंडिया के सर पे नहीं खड़े रहते, हंडिया के अंदर बार बार आके चमचे नहीं चलाते, और चूल्हे के इर्द गिर्द जो है वो फेरियाँ नहीं डालते। चलिए जी गाइस चेक करते हैं कि हमारा सालन जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है और क्या कंडीशन है इसकी। तो जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। मैं आपको लाइव फोकस करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा वो धुएं की वजह से कैमरा पे आई गेस इशू हो रहा है, तो आप लोग देखिए। अच्छा, अब ये बिल्कुल रेडी है, अब इसको मैं थोड़ा सा पीसूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सालन रेडी हो चुका है। अब इसको मैं जो है इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, अब ये बिल्कुल कंप्लीट रेडी है। अब आप लोग इसको देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि ये नहीं खाया जा सकता, परहेज़ी खाना है तो हम नहीं खा सकते। तो ये बिल्कुल जो है यमी लग रहा है खाने में, टेस्टी है, और अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इतना चटपटा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए बहुत मज़े का होगा। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, और आप लोगों से मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आप लोग अगर इस तरह का खाना, मैं दोबारा से बोलूँगी कि अगर आप लोग कुछ टाइम के लिए अगर परहेज़ करेंगे और इस तरह का खाना खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो आपने ज़रूर इसे लाइक करना है और मुझे कॉमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने स्टार्ट किया या नहीं किया डाइट खाना खाना। और जो है अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, टाटा बाय।
मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और आप लोगों से मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आप लोग अगर इस तरह का खाना, मैं दोबारा से बोलूँगी कि अगर आप लोग कुछ टाइम के लिए अगर परहेज़ करेंगे और इस तरह का खाना खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो आपने ज़रूर इसे लाइक करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने स्टार्ट किया या नहीं किया डाइट खाना खाना। और जो है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। टाटा बाय।